महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्तिकरण बनाने के लिए विद्यावती कॉलेज में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस विचार गोष्ठी में वहां पर आए तमाम अतिथियों ने महिलाओं के उत्थान के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए अपने विचार रखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ तौर पर कहा है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमको उनको आगे बढ़ाने की जरूरत है। जिस तरीके से देश में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहा है, इसी को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के उत्थान और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम लोगों को किस तरीके से प्रयास करने चाहिए। सभी अतिथियों ने अपने विचार विमर्श रखे, साथ ही यह भी बताया कि किस तरीके से भविष्य में हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। महिलाएं पुरुषों से कम नहीं है, उनको बस सिर्फ मोटिवेट करने की जरूरत है। महिला जहां एक तरफ माँ बेटी बहू है, दूसरी तरफ देश को चलाने वाली राष्ट्रपति भी एक महिला है। देश में कितनी महिलाओं ने आजादी में अपना योगदान दिया, रानी लक्ष्मीबाई, रानी होलकर, अहिल्याबाई, तमाम ऐसी सब महिलाएं हैं जिन्होंने देश को आजादी दिलाने में अपना योगदान दिया। तो क्या महिलाएं भी देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान देंगी? इन सभी विषयों को लेकर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। आपके बीच आने से पहले निमंत्रण मिला इस संगोष्ठी में प्रतिभाग लेने का, मैंने काफी चिंतन मनन किया इस विषय के बारे में, सशक्त महिला सशक्त भारत, और लगा कि निश्चित रूप से बहुत ही प्रासंगिक विषय है जहाँ देश की लगभग आधी आबादी में महिलाओं का योगदान है। ऐसे में सशक्त महिलाओं के अभाव में सशक्त भारत की आशा एक कल्पना के समान ही है। जिस प्रकार से सशक्तिकरण एक बहुआयामी एवं बहुस्तरीय प्रक्रिया है, उसी प्रकार महिला सशक्तिकरण भी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं कानूनी क्षेत्र। हमारा ये उद्देश्य है सशक्त महिला सशक्त भारत विषय पर आज हमने यहाँ पे संगोष्ठी जो की है, उसका प्रमुख उद्देश्य, चूँकि हमारा महाविद्यालय एक महिला महाविद्यालय है और आज हम जो बात करते हैं कि हमारा भारत सशक्त हो, आत्मनिर्भर हो, अतुल्य हो, तो सीधी सी बात है कि जब तक कि हमारी जो मातृशक्ति है अगर वो सशक्त नहीं होगी, अगर वो शिक्षित नहीं होगी, अगर वो आत्मनिर्भर नहीं होगी, तो हम अपना देश को कभी भी आत्मनिर्भर जो अतुल्यता हम लाना चाहते हैं वो हम नहीं ला सकते। और हमारे देश का जो प्रमुख उद्देश्य है हमारे प्रधानमंत्री जी का कि हम अपनी 1 ट्रिलियन